भाई और बहनों, आप और हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि किसी एक अच्छे बड़े मेट्रो शहर में रहते हैं। सभी जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सेवाएं हमें बहुत सहज उपलब्ध हो जाती हैं, किसी तरह की परेशानी नहीं होती। गांव देहात या सेमी अर्बन की अपने बात करें तो स्थितियां इतनी ज्यादा विकट हैं, यदि आपके सामने रखूं तो आपको ये लगेगा कि आज भी हम कहीं 16वीं शताब्दी में तो नहीं रह रहे। केरल भारत का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा प्रदेश, 3 महीने पहले वहां पर एक घटना हुई कि एक व्यक्ति अपनी बीमार पत्नी को 40 किलोमीटर दूर अपने कंधे पर लाद करके एक हॉस्पिटल में लेके गया। जब वो वहां के प्राथमिक सेवा केंद्र पर पहुंचा तो डॉक्टरों ने कहा कि ये तो मर चुकी है। 14 घंटे का सफर करने के पश्चात 40 किलोमीटर दूर जाने के बाद भी वो व्यक्ति अपनी पत्नी को बचा नहीं पाया। दूर दराज गांव देहात के अंदर यदि आप सूरत से 6 किलोमीटर दूर जाकर के भी किसी बस्ती के अंदर भी जाएंगे तो वहां पर क्वालिफाइड एमबीबीएस डॉक्टर आपको नहीं मिलेंगे, झोला छाप डॉक्टर मिलेंगे, अच्छे डॉक्टर किसी भी तरीके से उपलब्ध नहीं हो पाते क्योंकि वो उस एरिया के अंदर अपनी सेवाएं ही नहीं देना चाहते हैं। जैसा कि मैं निवेदन आपसे कर रहा था कि सूरत शहर में जितनी भी इस तरह की फैकल्टी हैं जो विशिष्ट सेवाएं अपने को देती हैं, ऐसे विशिष्ट डॉक्टरों को हम बुला करके ये सेमिनार करते हैं। आप सभी भाई बहनों का विशेष सहयोग प्यार हमें मिलता है और आप बड़े मन से यहां पर सुनने के लिए आते हैं, ये हमारे लिए बड़ी खुशी और गौरव की बात है। 25 अगस्त से डॉक्टर भीखमचंद जी प्रजापति पिछले 12 वर्ष से जो कार्यक्रम हम करवाते आ रहे हैं कि परिवार में प्रसन्नता पूर्वक कैसे रहें, 25 तारीख से वो कार्यक्रम होगा। आप सभी अपनी व्यक्तिगत डायरी में नोट कर लें कि सह परिवार आपको उस कार्यक्रम में उपस्थित रहना है। विशेषकर ऐसे परिवार जिनके बच्चों की शादियां हो गई हैं, वो अपने पुत्र और पुत्र वधु को साथ लेकर के आए। सबसे बड़ी समस्या है कि तमाम भौतिक उपलब्धियों के बाद भी हम खुश नहीं रह सकते। ऐसी परिस्थितियां क्यों पैदा होती हैं, ऐसी परिस्थितियों को कैसे टाला जाए, इसके ऊपर डॉक्टर भीखमचंद जी प्रजापति की 9 दिन की जो लेक्चर की सीरीज है, श्रृंखला है, वो हम आयोजित करते हैं। सभी भाई बहन उसके अंदर आए और खूब शांतिपूर्वक सुने, ऐसा मेरा निवेदन है। डॉक्टर राजीव मेहता जो गैस्ट्रो और स्टोमिक के बारे में अपने को जानकारी देंगे, उसके बारे में मैं निवेदन कर दूं भाई और बहनों, ये जो शरीर भगवान ने हमें दिया है ये एक अनमोल और बेशकीमती चीज है। इसकी तय में जाने के लिए हजारों हजार डॉक्टर इसी काम में लगे रहते हैं। मेडिसिन के 3 नोबल पुरस्कार हर वर्ष मिलते हैं जो इसके अंदर कोई नई खोज करते हैं, फिर भी कोई ना कोई नई बीमारी नई रूप में आती रहती है। लेकिन हम सब का एक कर्तव्य यह है कि किसी चीज को हम ठीक से समझ लें तो हम स्वयं अपने और अपने परिवार का ध्यान रखते हुए समाज को भी स्वस्थ रख पाएंगे। हमारा उद्देश्य केवल यह है कि हम चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। तो अग्रवाल विकास ट्रस्ट के हमारे अध्यक्ष श्री श्रीनारायण जी अग्रवाल यहां पर आ चुके हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो डॉक्टर राजीव मेहता का पुष्पगुच्छ अर्पण कर उनका स्वागत करें। श्री नारायण जी अग्रवाल, डायमंड के अग्रणी श्री सेवंती भाई शाह भी आज यहां पर उपस्थित हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि वो डॉक्टर अनिरुद्ध आपटे का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। सेवंती भाई, जैसा कि मैं हर बार हर कार्यक्रम में निवेदन करता हूं कि आपके पास एक बहुत बड़ा डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, वो है मोबाइल, उसको आप बंद कर दें या उसका गला घोटने ताकि वो आवाज नहीं करे, क्योंकि ये जो कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। तो मेरा निवेदन है कि आप अपना मोबाइल बंद कर दें। मैं आगे बिना किसी भूमिका के डॉक्टर राजीव मेहता को आपके समक्ष उपस्थित करता हूं, वो अपनी बात आपके सामने कहें। डॉक्टर राजीव मेहता, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। एक बार ऐसी तालियां बजनी चाहिए कि उपस्थिति दर्ज हो जाए आपकी। स्वजनों, थैंक यू वेरी मच अग्रवाल विकास ट्रस्ट जिन्होंने हमको यहाँ पे बुलाया, और इतने सारे गैदरिंग ब्रिलियंट, ये लोगों जो ऑर्गेनाइजिंग कमिटी ने है जिसने सबसे SMS करके इस तरीके से सबको बुलाया,
तो इतना क्राउड देख के मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी और बढ़ जाती है कि आपका संडे फ्रूटफुल हो. ठीक है. थैंक यू वेरी मच ऑल द कमिटी मेंबर्स टू इनवाइट मी फॉर दिस टॉक. मैं श्रीकांत भाई से बता रहा था आज गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की टॉक है और आपने सबको समोसा खिलाया, सबको खमणी खिलाई. तो भाई आपको आज तो सलाद रखना था, नहीं रखा सलाद. और मैं सलाद से ही बात करने वाला हूं. आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट समोसा. ठीक है. तो रादर देन वेस्टिंग टाइम वी स्ट्रेट वे गो टू द गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी सब्जेक्ट. एज यू नो देर इज ओ रिवॉल्यूशन हुआ है मेडिकल साइंस में कि वर्ल्ड वॉर टू में ब्लड ट्रांसफ्यूजन आया, फिर प्रोफेसर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने काफ़ी सारे इन्वेंशन किए, फिर सबसे बढ़िया दवाई पेनिसिलिन आई 40s, 50s, 60s में. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, पहले तो एक्सरे से डायग्नोसिस होता था, फिर सोनोग्राफी आई, फिर सीटी स्कैन आया, एमआरआई आया, पेट स्कैन आया. सो मेडिकल फील्ड जो है एकदम वास्ट डेवलप हो रहा है. स्काई इज द लिमिट फॉर द मेडिकल साइंस. पहले कभी सोचा नहीं था कि शोल्डर स्पेशलिस्ट होंगे, रिस्ट स्पेशलिस्ट होंगे, लिवर स्पेशलिस्ट होंगे, अलोन कॉर्नरी स्पेशलिस्ट होंगे, स्ट्रोक स्पेशलिस्ट होंगे. ऐसा कभी नहीं सुना था 10 साल पहले. बट नाउ द साइंस इतना प्रोग्रेस हो रहा है, सभी जगह पे साइंस प्रोग्रेस हो रहा है. या टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग फील्ड में भी है, टेक्सटाइल फील्ड में भी है, डायमंड के फील्ड में भी है और मेडिकल फील्ड में भी है. तो आप सबको ये फिगर पता है कि ये अपना डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है जो फूड पाइप से शुरू होता है. ये स्टमक है, यहाँ पे छोटी आंत चालू होती है. ये अपेंडिक्स है, ये बड़ी आंत चालू होती है. और ये पूरा अपना बड़ी आंत है जिसको हम लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं. इसोफेगस में फूड जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होके एक्सक्रीट होता है. ये दूसरा बहुत महत्व का है वो लीवर और पैनक्रियास. ये अपना लीवर है. लीवर का ये राइट लोब होता है, ये लेफ्ट लोब होता है और राइट साइड पे सिचुएटेड होता है. लीवर पित्त का प्रोडक्शन करता है, बाइल को बनाता है. वो नीचे उतर के पित्त की जो थैली होती है जिसको हम गॉल ब्लैडर बोलते हैं वहाँ पे स्टोर होता है. जैसे ही हम खाना खाते हैं ये पित्त की थैली कॉन्ट्रैक्ट होती है और पित्त का फ्लो आंतों में आता है. एक पीछे का हिस्सा है जो पैनक्रियाज होता है, वो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है जिसे हमने जो खाया है जिसमें प्रोटीन आता है, कार्बोहाइड्रेट आता है और फैट आता है, उसका डाइजेशन ये दोनों का जूस का कॉम्बिनेशन से होता है. आप स्टमक में देखो तो स्टमक में एसिड होता है तो एसिडिक पीएच होती है, तो वो पीएच 7 से नीचे होती है, राइट. जैसे ही वो फूड आंतों में आता है तो पीएच 7 से ऊपर चली जाती है, क्योंकि भगवान ने इतना बैलेंस किया है कि जितना एसिड सिक्रीट होता है उतना ही अल्कली भी सिक्रीट होता है, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है. एक्सेस एसिड और एक्सेस अल्कली दोनों हार्मफुल होते हैं और वो दोनों डिजीज में परिवर्तित होते हैं. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो सबसे बड़ा ट्रैक्ट है, लंग्स जो होते हैं. आफ्टर द लंग्स जो इंटेस्टाइन होता है उसका बॉडी सरफेस, उसका सरफेस एरिया एक टेनिस कॉर्ट जितना होता है, इतना बड़ा होता है. लेकिन कुदरत ने उसमें इतने वेव्स दिए हैं, इतना कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाया है कि हम अपने पेट में पूरा टेनिस कॉर्ट लेके घूम सकते हैं. एक छोटा सा वीडियो है, थोड़ा कॉम्पिटिबिलिटी इश्यू है बट आई होप इट शुड स्टार्ट. तो वो पता चलेगा कि ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम कैसे करता है, तो कहाँ कैसे फूड डाइजेस्ट होता है, कैसे वो दूसरे दूसरे विभागों में डिस्ट्रीब्यूट होता है
और हमको कैसे न्यूट्रिशन मिलता है। देखिए ये अपना पूरा स्टमक है, यहां से आइडिया पहले फूड जाता है, हम फूड को च्यू करते हैं, फूड की जो सलाई अंदर जो माउथ में जो सलाइवा होती है वो लुब्रिकेशन का काम करती है। जैसे जैसे फूड थोड़ा सा ब्रेक हुआ वो हम नीचे स्वेलो करते हैं, जैसे ही वो नीचे स्वेलो होता है एयरवेज बंद हो जाता है और फूड की पाइप चालू हो जाती है। धीरे धीरे फूड फूड पाइप से नीचे उतरता है और यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है वो ओपन होता है। जैसे ही फूड आता है वो फूड स्टमक में होता है, वहाँ पे एसिड्स होता है, म्यूकस होता है, वहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में वो डिवाइड होता है। फिर आगे का जो स्ट्रक्चर है जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, जेजुनम और इलियम, वहाँ पे डाइजेस्ट होता है। दूसरी जगह पे सेम साइड पे पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर में से सिक्रीशंस आते हैं और वो डाइजेस्टिंग एंजाइम्स अंदर लाते हैं और वो खाने को डाइजेस्ट करते हैं। जैसे जैसे खाना डाइजेस्ट होता है जो न्यूट्रिएंट्स है, जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स विटामिन्स मिनरल्स जो है वो इंटेस्टाइन की इसकी जो विलाय होती है जिसको विलाय बोलते हैं, जिसे उसका सरफेस एरिया बहुत बढ़ जाता है तो वहाँ की ब्लड सर्कुलेशन से वो ब्लड सर्कुलेट होता है। वो ब्लड सर्कुलेट होते होते वो लीवर में ट्रांसफ़र होता है और जो बाकी की जो खराब चीज़ है वो बड़ी आंतों में जाती है, वहाँ पे पानी एब्जॉर्ब होता है, विटामिन बनते हैं, म्यूकस बनते हैं एंड वो धीरे 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 जो खराब चीज़ होती है एक्सक्रीट होती है स्टूल के माध्यम से। तो इस तरह हमारा पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ऐसे ऐसे काम करता है। तो उसमें जहाँ पे भी कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हमको डिजीज मैनिफेस्टेशन होता है। थोड़े डिजीज की बात कर ले कि ये जो डिजीज हम बता रहे हैं जिसको हार्ट बर्न्स बोलते हैं, एसिडिटी बोलते हैं, आप लोगों में से कई लोगों को हफ्ते में एक बार होता है, महीने में 10 बार होता है, शायद किसी को आज समोसा खाने के बाद अभी हो रहा हो, तो ठीक है। तो दिस इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम when you eat too much spicy food, when your system is not properly managed, तो acid production ज़्यादा होता है तो heart burns होते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो है food pipe है, ये stomach है, उसके बीच में एक valve होता है, वो valve कुदरत ने हमको protect के लिए भेजा है। आप पूरी थाली आज खा लोगे फिर भी वो थाली पेट में ही रहेगी, ऊपर नहीं आएगी। This is because the God has given good valve. So जो valve बंद रहता है, valve बंद रहता है तो food stomach में रहता है, food will be there in the stomach for couple of hours. तो couple of hours खाने के बाद हमको भूख नहीं क्यों लगती है, क्योंकि stomach full होता है। तो stomach grinding का काम करता है। आपने आधा रसगुल्ला ऐसे ही निगल लिया, वो स्टमक में एक घंटे के बाद छोटे 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 माइन्यूट पीसीज में वो डिवाइड हो जाता है, वो ग्राइंडिंग का काम करते हैं। जैसे जैसे ग्राइंडिंग होता है, एसिड मिक्स्ड होता है, ऐसे स्टमक फूड को आगे ले जाती है। तो यदि ये वाल में डिफेक्ट आती है, वाल यदि खुला रहता है तो खाना ऊपर आता है, एसिड ऊपर आता है, रिफ्लक्स सिम्टम्स जिसको बोलते हैं, कई प्रकार के आपको सिम्टम्स हुए हो, छाती में जलन होती है, खाना ऊपर आ जाता है, कई लोगों को रात को नींद में से जाग जाना पड़ता है, खट्टे डकार आ जाते हैं। तो ये सब जो चीज़ है वो इस वाल जो डिफॉर्म होता है उसके कारण होती है, जिसको हम हार्ट बर्न्स बोलते हैं। इसका भी एक छोटा सा वीडियो है, इट्स अ ब्यूटीफुल वीडियो फ्रॉम मेयो क्लिनिक रोचेस्टर। देखो हाउ इट एक्ट्स बेसिकली। देखिए ये जो इसोफेगस है जहाँ से हमारा खाना जाता है, और ये डायफ्राम है, ये चेस्ट का पोर्शन है, यहाँ पे स्टमक चालू होता है। सामान्य रूप से जो ये वाल्व होता है ये क्लोज रहता है, जैसे ही खाना जाता है वाल्व ओपन बन जाता है, जैसे ही वो ओपन होता है उसमें से एसिड सिक्रीट होता है और एक म्यूकस सिक्रीट होता है, जिससे एसिड का डैमेज स्टमक में नहीं आता है। ये जो लाइनिंग है, ये लाइनिंग में जो डिफेक्ट आती है तो हमको अल्सर होते हैं। तो देखिए ये स्टमक होता है, ये फुल है, अपना वाल्व क्लोज है। समटाइम्स व्हाट हैपन, ये जो वाल्व होता है वो इनकॉम्पिटिबल हो जाता है, वो ओपन हो जाता है,
तो ओपन होता है तो एसिड ऊपर आता है. हमने फुल स्टमक है, सब खा लिया है, पूरा थाली अंदर है और ये अपना जो हो वाल खुल जाता है. तो जैसे ही खुलता है तो ये ऊपर रिफ्लक्स आता है, एसिड ऊपर तक चला जाता है. फ्रीक्वेंटली ऐसा होता है तो हमको हार्ट बर्न्स जैसा होता है. तो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज अ हार्ट बर्न्स. वी हैव एक्सेलेंट मेडिसिन अवेलेबल फॉर हार्ट बर्न्स, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ द हार्ट बर्न्स इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के सभी डिजीज में फर्स्ट चीज क्या आती है? जीवन पद्धति बदलाव, मोस्ट इंपॉर्टेंट. रात को देर से खाना खाना, रात को फुल पेट खाना खाना, दिस आर द एग्रेवेटिंग फैक्टर. ओबेसिटी, मेदस्विता जो होते हैं, जिसका पेट बहुत बड़ा होता है तो उसमें वाल कमजोर हो जाते हैं तो रिफ्लक्स ज्यादा होता है. आप यदि एक्सेस चाय पीते हैं, एक्सेस कॉफी पीते हैं, एक्सेस चॉकलेट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, चाइनीज फूड, जंक फूड, स्मोकिंग, एल्कोहल, ये सब चीज से वाल और खुलता है तो ये वाल बिकम मोर इनकॉम्पिटिबल, सो यू गेट अ लॉट ऑफ रिफ्लक्स. हमारे पास कई पेशेंट आते हैं कि सर एसिडिटी की दवाई बंद ही नहीं होती है, वो बंद करो फिर रिफ्लक्स चालू हो जाता है, बंद करो फिर रिफ्लक्स हो जाता है. तो उसके हिसाब से एक थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि अपनी लाइफस्टाइल में झांक के देखिए कि आर यू नॉट डूइंग समथिंग रॉन्ग विच इंक्रीजेज योर एसिड्स. स्ट्रेस लेवल से एसिड बढ़ता है, पेन किलर से एसिड बढ़ता है, अल्सर्स होते हैं. तो ये सब चीज पे आप ध्यान रखोगे तो प्रोबेबली जो दवाई का डोज है, एसिडिटी की दवाई है, वो कम हो जाएगी. दूसरी चीज, स्टमक का आया तो हम बताएं कि एंडोस्कोपी जो है एक सबसे बड़ा इंटरवेंशन है, सबसे बड़ा इन्वेंशन जो अभी तक हुआ है मेडिकल साइंस, पर्टिकुलरली गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी फील्ड में है, वो एंडोस्कोपी है. एंडोस्कोपी सब तरह की होती है. एंडोस्कोपी मतलब किसी चीज को दूरबीन से देखना. पेट में देखते हैं तो उसको गैस्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, बड़ी आंत में देखते हैं तो उसको कोलोनोस्कोपी बोलते हैं, लंग्स में देखते हैं तो उसको ब्रोंकोस्कोपी बोलते हैं. तो जिसको भी देखना है वो एंडोस्कोप होता है. अभी तो नेजल एंडोस्कोपी भी है, गायनेक लोग भी एंडोस्कोपी, गायनेक पीपल आर ऑल्सो यूजिंग एन एंडोस्कोप ऑल्सो. सो इट्स अ ब्रॉड टर्मिनोलॉजी ऑफ एन एंडोस्कोप. अपर एंडोस्कोपी जिसको हम बोलते हैं उसको गैस्ट्रोस्कोपी बोलते हैं. जैसे पेशेंट को इस तरह लेटाते हैं, सामने एक स्क्रीन होता है और दूरबीन धीरे धीरे फूड पाइप को देखती है, स्टमक को देखती है और डियोडिनम जो पहला हिस्सा है उसको देखती है कि वहां पे क्या डिफेक्ट है. एंडोस्कोपी सभी पेशेंट में जरूरत नहीं पड़ती है. जिसको लंबे टाइम की एसिडिटी हो, जिसको भूख नहीं लगती हो, वेट लॉस होता हो, ब्लैक स्टूल आते हो, खून कम हो जाता है, खून की वॉमिट होती है, तो उसमें एंडोस्कोपी बहुत बड़ा काम करती है. कई बार खून जो बाहर निकलता है एंडोस्कोप से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें इंजेक्शन डाल के उसको बंद कर देते हैं. कई छोटे छोटे बच्चे सब निकल के आते हैं, कोई सिक्का निकल के आता है, कोई बैटरी सेल निकल के आता है, तो एंडोस्कोप की मदद से हम उसको निकाल सकते हैं. तो ये गैस्ट्रोस्कोपी हुई, ये कोलोनोस्कोपी हुई, नीचे से दूरबीन जाके पूरी बड़ी आंत देखना है. जिसको डायरिया होता है, जिसको वेट लॉस होता है, जिसको लैट्रिन में ब्लड आता है, कई बार लैट्रिन में ब्लड आता है तो हम सर्जन के पास जाते हैं, सर्जन बताते हैं भाई पाइल्स है पाइल्स नहीं है. यदि पाइल्स नहीं है तो सब सर्जन ऐसा बोलते हैं कि एक आप ये दूरबीन का टेस्ट करवा लो, शायद या ऊपर कुछ अल्सर हो, शायद ऊपर कुछ गांठे हो, ये वहाँ से ब्लीडिंग आ रहा है, छोटे से पाइल्स है, पाइल्स से ब्लीडिंग नहीं आ रहा है. तो ये सब इंडिकेशन है कोलोनोस्कोपी के. कई बार पेशेंट एब्डोमिनल पेन लेके जाता है फैमिली फिजिशियन के पास, वो सोनोग्राफी कराते हैं, सोनोग्राफी में मालूम पड़ता है कि राइट साइड की आंतों में बड़ा सा सूजन है, वहाँ पे गांठ की सख्यता है, गांठ की पॉसिबिलिटी है, तब हम एंडोस्कोपी करते हैं, गांठ को देखते हैं, उसकी बायोप्सी लेते हैं, देखते हैं कि ये कैंसरस है कि नॉन कैंसरस है. तो ये सब चीज़ के कोलोनोस्कोपी बहुत ज़रूरी होती है. अभी हम पहुंचते गॉल ब्लैडर पे. कई लोगों को गॉल स्टोन्स है, आप में अभी भी कई लोग गॉल स्टोन्स है, ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं हम. व्हाई? वो सब हम देख रहे हैं कि ये गॉल ब्लैडर है. गॉल ब्लैडर का कारण काम क्या है? पित्त लीवर में से बनता है,
पित्त की थैली में उसका संग्रह होता है, वहाँ पे वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है। जैसे ही हम खाना खाते हैं, ये पित्त नीचे आता है, ये पैनक्रियास की डक्ट होती है। पित्त की डक्ट और पैनक्रियास की डक्ट साथ में छोटी आंत में खुलती है और वो डाइजेस्ट करती है। ये अल्कली है, एसिड स्टमक में बनता है, अल्कली गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास में बनती है। तो गॉल ब्लैडर में यदि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बन जाता है तो कोलेस्ट्रॉल के स्टोन बनते हैं। पहले स्लज मिट्टी बनती है, मिट्टी इकट्ठा होती है, क्रिस्टल्स बनते हैं, क्रिस्टल इकट्ठा होते हैं और स्टोन बनते हैं। स्टोन जो है गॉल ब्लैडर में वो फीमेल में कॉमन होता है मेल की जगह। जो फीमेल ओबीज है, 40 साल के नीचे है, कोई हार्मोनल रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उनमें गॉल ब्लैडर का स्टोन बनने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। कई बार हमने देखा है पर्यूषण के बाद हमारे काफ़ी पेशेंट्स गॉल ब्लैडर में स्लज लेके आते हैं, बिकॉज पर्यूषण में फास्टिंग का ज़्यादा होता है, फास्ट रखते हैं लोग। फास्टिंग से गॉल ब्लैडर की मूवमेंट कम हो जाती है, गॉल ब्लैडर की मूवमेंट कम होने से स्लज बनता है और स्टोन बनता है। तो ये प्रोलॉन्ग फास्टिंग ऑल्सो इज द रीजन फॉर गॉल स्टोन फॉर्मेशन। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है गॉल स्टोन्स में, 80-90% गॉल स्टोन्स आर साइलेंट स्टोन्स, दे डोंट गेट एनी प्रॉब्लम। आज मैंने सोनोग्राफी कराया तो मुझे 4 स्टोन मिल गए, मैं घबरा गया, मैं फैमिली डॉक्टर के पास पहुंच गया, सर 4 स्टोन है मेरे गॉल ब्लैडर में। लेकिन ये स्टोन कितने पुराने हैं मुझे नहीं पता, मैंने फर्स्ट टाइम सोनोग्राफी किया है, आई डोंट नो हाउ ओल्ड आर द स्टोन्स। ठीक है, तो ज्यादातर ये स्टोन्स होते हैं वो साइलेंट स्टोन होते हैं। साइलेंट स्टोन में कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है। सिम्टम्स कब आते हैं, जब ये स्टोन यहां अटक जाता है तो ये गॉल ब्लैडर सूज जाती है, ये स्टोन नीचे उतरता है तो पित्त का फ्लो ब्लॉक हो जाता है, तो जॉन्डिस बनता है, बुखार आता है, पेन होता है। ये स्टोन और थोड़ा नीचे यहां पे अटक जाए तो जो पैनक्रियास का फ्लो है वो भी ब्लॉक हो जाता है, तो पैनक्रियास में सूजन आती है जिसको हम पैनक्रियाटाइटिस बोलते हैं। तो जो ये प्रॉब्लम है ये सब इमरजेंसी सिचुएशन है, ये सब इमरजेंसी है, ये इमरजेंसी है और ये इमरजेंसी है। लेकिन ये इमरजेंसी का लाइफ टाइम रिस्क इज लेस देन 5%। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि नॉट ऑल गॉल स्टोन्स रिक्वायर्ड सर्जरी, बिकॉज किडनी स्टोन में काफी दवाई आती है कि स्टोन को डिजोल्व करने में, लेकिन गॉल ब्लैडर के स्टोन्स की डिजोल्यूशन में कोई दवाई नहीं है। कई बार हम थोड़ी बहुत दवाई लेते हैं लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ता है, तो उसका कोई मेडिसिन नहीं है कि ये स्टोन को डिजोल्व कर सकते हैं। हाँ, मिट्टी को आप डिजोल्व कर सकते हैं, क्रिस्टल को डिजोल्व नहीं कर सकते, स्टोन को डिजोल्व नहीं कर सकते आप। तो उसका ओनली ट्रीटमेंट है गॉल ब्लैडर रिमूवल। ठीक है, यदि 80% टाइम आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा हो, 90% टाइम नहीं हो रहा हो, तो ऑपरेशन हम एडवाइज नहीं करते हैं। लेकिन कई बार इमरजेंसी में हम बोलते हैं कि ऑपरेशन करना पड़ता है, तब कई पेशेंट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये बोलते हैं यार गॉल ब्लैडर तो थोड़ी निकालेंगे पूरा, आप स्टोन निकाल के छोड़ दो गॉल ब्लैडर को, स्टोन निकाल दो, गॉल ब्लैडर को वैसे का वैसा रखो। कई बार हमारे पेशेंट्स ऐसी समस्या लेके आते हैं कि सर पित्ताशय को निकाल दिया तो फिर मैं खा नहीं सकूंगा, मेरी डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाएगी। तो ये मिसबिलीफ है, इसमें कोई ट्रूथ नहीं है, साइंटिफिकली कोई तथ्य नहीं है। पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में देखो, यूरोप या अमेरिका में सबसे कॉमन ऑपरेशन होता है गॉल ब्लैडर रिमूवल, जिसको हम कॉलिसिस्टेक्टोमी बोलते हैं। ब्यूटीफुली हमारे सर्जन कलीग्स अच्छे से अच्छी गॉल ब्लैडर का सर्जरी करते हैं लैप्रोस्कोपी से, दूसरे दिन में आप घर पहुंच जाते हो, 4 दिन के बाद आप काम पे पहुंच जाते हो। दिस इज अ ग्रेट रिवॉल्यूशन इन सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी इज अ लैप्रोस्कोपी।
लैप्रोस्कोपी से सभी गॉल ब्लैडर निकाली जा सकती है और गॉल ब्लैडर स्टोन्स यदि प्रॉब्लम करते हैं, पेन करता है, तो उसको 100% रिमूव करना ज़रूरी है, वरना थोड़े से डिले होता है तो ये कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता है. इफ यू हैव नो सिम्टम्स, नो प्रॉब्लम. इवन यू हैव द कॉलिक विच इज कॉल्ड द बिलियरी कॉलिक, यू नीड टू कंसल्ट योर फैमिली डॉक्टर और योर सर्जन और अ फिजिशियन टू टेक देयर गाइडेंस वेदर डू दे रियली नीड टू रिमूव द गॉल ब्लैडर. ठीक है, तो ये एक चीज होती है. गॉल ब्लैडर रिमूव करने से पाचन क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि गॉल ब्लैडर का काम सिर्फ स्टोरेज का होता है, वो पित्त नहीं बनाता है, पित्त लीवर में से बनता है. तो वो एक जो बिलीफ है वो निकालना भी बहुत ज़रूरी है. कई बार पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं, दे डोंट कंसीडर द रिमूवल ऑफ अ गॉल ब्लैडर एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स दे विल लैंड अप विद अ मोर सीवियर कॉम्प्लिकेशन. बट दैट हैपन्स ओनली इन 5% ऑफ द पीपल, नॉट 90% ऑफ द पीपल. सो यू नीड टू ऑब्जर्व एवरी टाइम. हर 6 महीने सोनोग्राफी कराने से भी कोई फायदा नहीं. पिछले साल 3 mm का था, अभी 4 mm का हो गया. पिछले साल 2 थे, अभी 3 हो गया, 5 हो गया, तो उसका कोई मायने नहीं रखता है. इट इज हैव नो मीनिंग बेसिकली. सो नो नीड टू रिपीट द सोनोग्राफी एवरी 6 months और एवरी 1 year टू सी वेदर द साइज इज इंक्रीजिंग, साइज इज डिक्रीजिंग. स्टोन के नंबर और स्टोन की साइज कॉम्प्लिकेशन को डिसाइड नहीं करती है. वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे पास कई पेशेंट आते हैं कि सर पूरी पित्त की थैली स्टोन से भरी हुई है, लेकिन सिम्टम्स कुछ नहीं है. तो वील टेल देम ऑब्जर्व, कुछ नहीं करना है. ठीक है, इतना बड़ा स्टोन, 3 cm का स्टोन गॉल ब्लैडर में है. सम सर्जन एडवोकेट करते हैं कि उसकी सर्जरी करा लो, क्योंकि वेरी रिमोट पॉसिबिलिटी कि आप गॉल ब्लैडर में आगे चल के नुकसान हो सकता है. तो ये इंडिविजुअल सर्जन पे डिपेंड करता है. जॉन्डिस पे आए, अभी जॉन्डिस की सीजन चल रही है, बारिश का मौसम है, बाहर खाने से, कंटामिनेट फूड खाने से जॉन्डिस होता है, टाइफॉइड होता है, डायरिया होता है, ऐसी बीमारियां बहुत होती है इस सीजन में. तो जो जॉन्डिस है वो ए बी सी डी ई 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला और आखिरी ए और ई सादा जॉन्डिस बोलते हैं, सिंपल जॉन्डिस जो खाने से आता है और ठीक हो जाता है. बी सी एंड डी जो होते हैं, जो भारी पीलिया बोलते हैं, कई लोग जहरीला पीलिया बोलते हैं, तो वो है बी सी एंड डी. हालांकि डी इंडिया में नहीं होता है, लेकिन बी और सी बहुत कॉमन है. यदि उसकी ट्रीटमेंट नहीं लिए तो धीरे 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 वो लीवर को बिगाड़ सकते हैं. अल्कोहल ऐसी चीज है जिससे जॉन्डिस होता है. लॉन्ग टर्म अल्कोहल, ज़्यादा अल्कोहल सेवन से लीवर खराब हो जाता है, लीवर सिरोसिस में रूपांतरित होता है और अल्टीमेटली बहुत खराब कॉम्प्लिकेशंस होते हैं. कई सारी दवाइयों से जॉन्डिस होता है, खींच की दवाई से जॉन्डिस होता है, HIV की दवाई से जॉन्डिस होता है, काफ़ी सारी दवाई, TB की दवाई है जो हम काफ़ी सारे लोग लेते हैं, तो उसे भी 5 या 7% लोगों को जॉन्डिस होता है. आगे मैंने बताया, गॉल ब्लैडर यदि स्टोन नीचे उतरता है, ब्लॉक करता है, पित्त की नली में कैंसर होता है, लीवर में कैंसर होता है, तो जॉन्डिस होता है. हमारे पास जॉन्डिस की ट्रीटमेंट को लेके काफी मिसकंसेप्शन है. सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन, कंप्लीट बेड रेस्ट. वो पेशेंट को खाटले से भी नीचे उतरने नहीं देते. नहीं, डॉक्टर साहब ने बताया कंप्लीट बेड रेस्ट, वो जरूरी नहीं है. डायट्री मिसकंसेप्शन, बहुत डाइट में मिसकंसेप्शन है, क्योंकि जिसको जॉन्डिस होता है उसको आप पूछिए उसकी वेदना क्या होती है, क्योंकि सभी लोग उसको सलाहें देते हैं. कोई बताए टीपा डाल दो, कोई बताए चूना लगा लो, कोई बताए माला पहना दो, कोई दूसरा. लोग हमारा बेसिकली जो जिसको जॉन्डिस हुआ है, आप पूछिए कि इसको लगता है ये मेरी खबर पूछने आया या मुझे सलाह देने आया है. 10 लोग आते हैं, उसमें 9 लोग 10 सलाहें देके जाते हैं. पूरा परिवार कंफ्यूज है. कोई बताए दूध ही खिलाओ, कोई बताए करेला का जूस दो, तो तीसरा आता है चपाती मत दो. तो इतने मिसकंसेप्ट है अपने माइंड में, जिसका कोई साइंटिफिक
बेस नहीं है। विज्ञान क्या बोलता है? नॉर्मल डाइट, लो फैट डाइट, आप चपाती खा सकते घी के बिना की, आप चावल ले सकते, आप दाल ले सकते। न्यूट्रिशन मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। जिसको जॉन्डिस 20 दिन 25 दिन रहता है, वो 10 किलो वजन ऐसे ही कम हो जाता है उसका खाने के बिना, क्योंकि परिवार वाले उसके मौसम्बी का जूस के दिवा कुछ नहीं देते। सुबह दूधी, शाम को मौसम्बी, सुबह दूधी, शाम को मौसम्बी। तो ये मिसकंसेप्ट है अपना। ही कैन ईट नॉर्मल। शुरू में क्या होता है, SGPT जो चीज होती है बहुत बड़ी, बड़ा 1000-2000 पे जाती है, तब आपको भूख नहीं लगती है। जैसे जैसे आपका SGPT लेवल कम होता है, आपको भूख लगना चालू होता है, एपेटाइट आना चालू होता है, तो वो जरूरी है। कई सारी मेडिसिन आती है, लेकिन जॉन्डिस जो ए और ई से होता है, खाने से जो होता है, वो सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है। वो अपने आप ठीक होता है। आपको सपोर्ट करना है सिस्टम को, आपको देखना है कि जॉन्डिस का कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो कई लोग, कई सारी दवाई आती है, एलोपैथी में आती है, होम्योपैथी में आती है, यूनानी में आती है, आयुर्वेदिक में आती है, सब अपनी अपनी तरह से मेडिसिन लेते हैं और ठीक हो जाते हैं। 3-4-5 दिन में जब ठीक होते हैं तो ठीक है। यदि जॉन्डिस 5 या 7 दिन से ज़्यादा लंबा होगा तो परिवार में एक पैनिक ही छा जाती है कि यार क्या है, इसको 10 दिन से जॉन्डिस ठीक नहीं, और पूरा पीला दिखता है। तो पेशेंट टेंशन में आ जाता है। तो ये टेंशन की जरूरत नहीं है। यू मीट योर फैमिली डॉक्टर, यू मीट योर फिजिशियन एंड सी के कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे टेस्ट है, काफ़ी सारे ऐसे एग्जामिनेशन पॉइंट है, जिसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपका जॉन्डिस प्रोग्रेस कितना होगा, कॉम्प्लिकेशन होंगे कि नहीं, वो थोड़ा बहुत ख्याल आ जाता है, और आपको क्लोजली सुपरविजन में रहना है। एक ये बहुत कॉमन चीज हो गई है, सिरोसिस ऑफ लीवर। सिरोसिस क्या होती है? देखिए, अपना लीवर एकदम स्मूथ राइट साइड पे होता है। ये लीवर में जब नोड्यूल बन जाते हैं, लीवर जब सुकड़ जाता है, स्टिफ हो जाता है, इसको हम सिरोसिस ऑफ लीवर बोलते हैं। सिरोसिस ऑफ लीवर का अभी सबसे बड़ा कारण है ओबेसिटी एंड डायबिटीज। ओबेसिटी एंड डायबिटीज में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस से फैट बढ़ती है। फैट बढ़ती है तो फैट लीवर में डिपॉजिट होती है। लीवर में डिपॉजिट होती है तो वो धीरे धीरे लीवर को डैमेज करता है और वो सिरोसिस में कन्वर्ट होता है। तो जिसको फैटी लीवर है, वो 10-15% लीवर सिरोसिस में डिटेक्ट होते हैं। 80% कुछ नहीं होता है। लेकिन आप यदि केयरफुल रहते हैं, शुगर को कंट्रोल करते हैं, डाइट में कंट्रोल करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो फैटी लीवर कम होता है। दूसरी चीज़ है हिपेटाइटिस बी, हिपेटाइटिस सी। पहले में जब हमारे पास मेडिसिन नहीं थी, लोग लीवर सिरोसिस जो बी और सी से होता है, उसमें मृत्यु का दर बहुत ज़्यादा था। अभी हमारे पास बहुत बढ़िया दवाई आ गई है, सी में भी दवाई आ गई है, बी में भी दवाई आ गई है, तो लीवर सिरोसिस के चांस काफ़ी कम हो जाते हैं यदि अर्ली डिटेक्शन होता है। यदि सिरोसिस हो भी जाता है तो भी दवाई से पेशेंट को काफ़ी साल तक मेंटेन रख सकते हैं, काफ़ी साल तक ट्रांसप्लांट बिना हम रख सकते हैं। तीसरा है ये अल्कोहल। ये अभी भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। एज द डे पासिस द अल्कोहलिक पेशेंट्स एंड अल्कोहल रिलेटेड इश्यूज आर इंक्रीजिंग डे बाई डे इन द लाइफ। उससे भी लीवर खराब होता है। ओबेसिटी के बारे में मैं बताऊँ कि अभी ओबेसिटी काफ़ी सारी कॉमन है, बहुत कॉमन है। ओबेसिटी किसको बोलते हैं? जो पेट का हिस्सा बड़ा होता है, इसको सेंट्रल ओबेसिटी बोलते हैं। और वो सेंट्रल ओबेसिटी गड़बड़ करती है। सेंट्रल ओबेसिटी स्ट्रोक के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हार्ट अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डायबिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किडनी प्रॉब्लम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड लीवर सिरोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप लोगों ने सुमा पहलवान को देखा है, जापान का सुमा पहलवान।
400 किलो का है, 300 किलो का है, लेकिन आप उसको देखेंगे तो उसकी चर्बी सब जगह पे है होती है। हाथ इतने बड़े बड़े होते हैं, पैर इतने बड़े बड़े होते हैं, तो हिज फैट डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल, तो उसको डायबिटीज नहीं होता है। लेकिन मैं बोलूं, मैं 80 किलो का हूं, मेरे हाथ पतले हैं, पैर पतला है, पेट बड़ा है, तो इसको मेरी फैट डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, मेरी फैट पेट में है, इसको सेंट्रल ओबेसिटी बोलते हैं। तो मैं भले 80 किलो का हूं, लेकिन मुझे डायबिटीज होगा, बीपी होगा, सिरोसिस होगा, सब होगा। तो ये सेंट्रल ओबेसिटी का जो कंसेप्ट है वो अभी इट इज ग्रोइंग वेरी फास्ट एंड एवरीबडी इज नाउ, आप देखो सुबह जॉगिंग ट्रैक पे लोग निकल जाते हैं, जिम इतने चलते हैं, बिकॉज द अवेयरनेस इज मोर एंड मोर नाउ। काफी सारे लोग जो 100-150 किलो के हैं वो सर्जरी कराते हैं, ओबेसिटी सर्जरी कराते हैं, वेट कम करते हैं। यस, तो ये सब बहुत अभी इम्पॉर्टेंट है। और यंग जनरेशन जो पिज्जा और मैकडोनाल्ड्स खाती है, दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर ओबीस। लीवर ट्रीटमेंट में न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है, खाना बहुत जरूरी है, प्रोटीन डाइट बहुत ज्यादा लेना होता है। लीवर ट्रांसप्लांटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में भी पॉसिबल है। 10 साल में भारत ने लीवर ट्रांसप्लांट के मामले में दुनिया में सबसे ज्यादा प्रगति की है। भारत के लीवर ट्रांसप्लांट का जो सक्सेस रेट है वो अमेरिका, सिंगापुर और ब्रिटेन के जैसा ही है, इट इज इक्वल। अभी एक्टिव ट्रांसप्लांट सेंटर भारत भर में 20 से ज्यादा हो गए। अहमदाबाद में बहुत अच्छे 3 लीवर ट्रांसप्लांट सेंटर है, बॉम्बे में, हैदराबाद में है, कोचीन में है, सभी जगह पे लीवर ट्रांसप्लांट इतना अच्छा हो रहा है। और आपके कई फ्रेंड का भी लीवर ट्रांसप्लांट हो चुका होता है, आप देखो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी अच्छी हो गई है। तो लीवर ट्रांसप्लांट इज अ ट्रू रियलिटी इन इंडिया राइट नाउ, एंड द रिजल्ट्स आर एट पार विथ अदर पार्ट्स ऑफ अ डेवलप्ड कंट्री। अभी हम देखते हैं कि यंग पीपल में काफी सारे डिजीज हो चुके हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस है, जिसमें बड़ी आंतों में छाले पड़ना, पैनक्रियाटाइटिस बहुत कॉमन हो गया है, अभी कितने लोगों को पैनक्रियाटाइटिस बारी बारी होता है, गॉल ब्लैडर स्टोन होता है, कैंसर जो होता है इंटेस्टाइन का, वो भी अभी वी आर सीइंग लिटिल बिट मोर। तो ये सब का कारण प्रोबेबली एनवायरमेंटल चेंज, फूड चेंज, इंडस्ट्रियलाइजेशन, स्ट्रेस, ये सब होता है। For that you need a healthy life. Healthy life is a physical well-being as well as a mental well-being. So we all are a vegetarian diet. What is a vegetarian? Vegetarians eggs लेते हैं, dairy product लेते हैं। कई vegetarian strict होते हैं, अभी मैं dairy product भी नहीं लूंगा because it is coming from the animal. तो जो एग भी लेते हैं और डेयरी प्रोडक्ट पे भी लेते हैं, इसको लैक्टो वेजिटेरियन बोलते हैं। जो एग नहीं लेते, हम में से काफी सारे एग नहीं लेते हैं, बस हम दूध पीते हैं, चीज खाते हैं, बटर खाते हैं, तो वी आर लैक्टो वेजिटेरियन। दिस इज लैक्टो ओवो वेजिटेरियन, दिस इज लैक्टो वेजिटेरियन। सम पीपल आर सो स्ट्रिक्ट कि भी मैं दूध भी नहीं पीऊंगा, मैं चीज भी नहीं खाऊंगा, मैं सिर्फ जो वेजिटेबल फूड्स है, ग्रेन्स है, सीरियल्स है, पल्सिस है, वो खाऊंगा, उसको वेगान बोलते हैं। व्हाट इज अ बैलेंस्ड डाइट? व्हाट इज एन आइडियल डाइट? आइडियल डाइट शुड बी एडिक्वेट इन कैलोरी, एडिक्वेट इन कार्बोहाइड्रेट, adequate in protein, but very small quantity of plain sugar and high fat. Very very important. क्या होता है? देखिए, हम स्प्रेड, सलाद, क्रीम, चॉकलेट, क्रिस्प, बिस्किट, पास्ता, पेस्ट्रीज, आइसक्रीम, ये सब चीज है,
it contains a very high amount of fat, very high amount of sugar, low amount of sodium. So this is not a balanced diet. यदि आप उसको ज्यादा फैट में बनाते हैं, प्रोटीन ज्यादा जाना चाहिए, स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट ज्यादा जाना चाहिए. वो जो स्टार्च होता है वो अल्टीमेटली ग्लूकोज में बनता है, लेकिन आपको प्लेन ग्लूकोज नहीं लेना है, आपको स्टार्च ले सकते हैं. डायबिटीज के मरीज स्टार्च ले सकते हैं लेकिन प्लेन शुगर नहीं ले सकते. दिस इज वेरी पॉपुलर राजस्थान रेसिपी, दाल बाटी और चूरमा. ब्रिलियंट, न्यूट्रिशनली एब्सोल्युटली एडिक्वेट. आपको सीरियल्स भी मिलते हैं, पल्सेस भी मिलते हैं, प्रोटीन भी मिलते हैं, सब मिलते हैं, लेकिन एक ही गड़बड़ है. विनय भाई, क्या गड़बड़ है? ओ यस, बहुत बड़ा भीड़. मैं जब पहली बार गया था जयपुर में, दाल बाटी खाई, इतना घी डाला उसने मेरे सामने. उसको नहीं पता था मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूं, वरना वो नहीं डालता. बहुत न्यूट्रिटिव, इट्स एन एक्सेलेंट न्यूट्रिशन, एक्सेप्ट बड़ा सा घी. देयर आर सम फेवरेट डिशेस ऑफ राजस्थान विच आई लाइक मोस्ट. I have been to Rajasthan many places. I am a Gujarati, but I have been to Rajasthan many places. Bikaneri bhujia, mirch bada and pyaaj kachori, very high calorie content in food. Toh meri favorite hai. Yes, dekhe, ye jo hai, bajre ki roti aur lasan ki chutney, this is somewhat great nutritional advantage in the bajre ki roti. I am not a dietitian. Main koi nutritional specialist nahi hoon. But it has got a very good nutrition value. But mawa kachori, rasgulla from Bikaner and all, they are bit high in calories because they are bit plain sugar and ghee are inside. Sunday thali. Yahan se chhoot ke aap kaafi log jayenge ye thali khane aaj. Binay bhai pura parivar leke jayenge. Chalo kansar mein jaate, sasu maa mein jaate hai, singar mein jaate hai. A very high calorie diet, extremely high calorie content. और वो जो हमको सर्व करता है वो भी आग्रह करता है ये पूरनपोली लोग घी में दबा के. तो दिस ऑल आर अ वेरी हाई कैलोरी फूड विच कंटेंट अ वेरी हाई कैलोरी डायट. तो ये थाली सबसे बढ़िया है जिसमें ग्रेन्स आते हैं, जिसमें सीरियल्स होती है, पल्सिस होती है, सलाद्स होता है, फ्रूट्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं. दिस इज एन एडिक्वेट आइडियल न्यूट्रिशन. सो दिस एवरीवन मस्ट नो, दिस इज अ फूड पिरामिड. सबसे ज्यादा क्या खाना है और सबसे कम क्या खाना है. सबसे ज्यादा आपको सीरियल, पल्सिस, फ्रूट, वेजिटेबल्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, नॉन वेजिटेरियन फूड, और सबसे ऊपर आता है फैट, ऑयल और स्वीट. सबसे ऊपर आता है कि आपको लिस्ट खाना होता है. यदि ये 60% है तो ये सिर्फ लेस देन 10% होना चाहिए. दिस इज अ आइडियल डाइट. जंक फूड. मेरे बेटे का बर्थडे सेलिब्रेशन है, मैकडी में आ जाना, पिज्जा हट में आ जाना, ठीक है, मंचूरियन खिलाएंगे. तो आजकल के बच्चे, वी ऑल आर ड्रैगिंग इनटू द जंक फूड. मैं बताऊं, माय फादर इज 80 इयर्स ओल्ड, ही इज फिटर देन मी. यहां कई बुजुर्ग है. श्रीकांत भाई के फादर को मैंने देखा, आपके साहब के फादर को मैं मिला हूं, मोहन भाई के फादर को मैंने देखा, अरुण भाई के फादर को मैं मिला हूं, वेरी स्ट्रांग एट दिस एज. Why? Because they are adequately nutritive food. They have not tested Manchurian. They have not tested pizza. They are not eating burger. So why we all are dragging into the junk food, soft drinks? Hamari party iske bina adhuri hai. Absolutely poor health. He's obese. He is working on the computer, hardly spending calories.
कैलोरी स्पेंड नहीं करती है, वॉकिंग नहीं करती है, एक्सरसाइज नहीं करती है, पूरे दिन कंप्यूटर पे बैठे बैठे बर्गर खा रही है और शी इज इंक्रीजिंग द वेट, राइट? सो जंक फूड विच इज हाई इन फैट, सिंपल शुगर एंड सोडियम, लो इन प्रोटीन एंड गुड न्यूट्रिशन, तो क्या हो जाता है? सडनली आप शुगर बढ़ाते हो खाने में, तो इंसुलिन को, पैनक्रियास को ज्यादा काम करना होता है शुगर को मेंटेन रखने के लिए, तो बॉडी में इंसुलिन ज्यादा आता है। मैं यदि पूरी रबड़ी दी जाता हूं 500 ग्राम की, तो मेरा शुगर सडनली 300 हो जाएगा यदि मेरा पैनक्रियास काम नहीं करेगा। जैसे ही मैं शुगर लेता हूं, मेरा पैनक्रियास एक्टिव हो जाता है, इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है कि ताकि मेरी ब्लड में शुगर मेंटेन रहे। ऐसे ऐसे टाइम जाएगा, जैसे ओबेसिटी बढ़ेगी, फैट बढ़ेगा, पैनक्रियास तो काम करेगा लेकिन इंसुलिन सेल पे काम नहीं करेगा। इंसुलिन सेल पे काम नहीं करेगा तो बॉडी में फ्री इंसुलिन ज्यादा रहेगा और आपकी शुगर भी बढ़ जाएगी। दैट्स व्हाई प्रीडिस्पोज टू डायबिटीज, ब्लड प्रेशर एंड ओबेसिटी। अग्रवाल साहब भी यहां बैठे हैं, तो अग्रवाल साहब का भी एक्सपीरियंस होगा कि 5 साल पहले जितनी डायबिटीज है, जितनी ओबेसिटी है, अभी केस डबल हो गए, ट्रिपल हो गए, बराबर है सर? बिकॉज अवर फूड पैटर्न इज चेंज। सो दिस इज अवर चिल्ड्रन नाउ, ही इज ईटिंग इन पिज्जा हट, ही इज मैकडोनाल्ड। I am not against that. I am not going to against any company. But I am telling that the quality of the calories which you are getting. See, that boy has started eating junk food. As he grows, he becomes obese. अभी इंडिया का सर्वेक्षण है कि यंगर जनरेशन की पीढ़ी है, they becoming more obese, less active, mentally they are subdued. Now they are with, all are with a smartphone. So they all are basically spending a lot of time in the social networking system with a smartphone. So practically, physical activity is less, more and more diet, more and more food, extremely less exercise. So the obesity is going to grow up. पहले के जमाने में एक डिजीज होता है कि इंडस्ट्रियलाइज डिजीज एंड नॉन इंडस्ट्रियलाइज डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज, कोलोन कैंसर, ये भारत में कभी नहीं थे। आप अभी 80-90 साल के फिजिशियन को आप पूछोगे तो वो बताएगा, यार आई हैव नॉट सीन इन माय एंटायर लाइफ, मैंने देखा ही नहीं है अल्सरेटिव कोलाइटिस कैसा होता है 80 के पहले। लेकिन अभी तो सब देखते हैं, पैंक्रियाटाइटिस सब देखते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस देखते हैं, यंग कैंसर सब देखते हैं, बिकॉज वी आर अडॉप्टिंग देयर कल्चर, सो वी आर अडॉप्टिंग द डिजीज ऑल्सो। पिज्जा के साथ अल्सरेटिव कोलाइटिस आ जाता है, बर्गर के साथ क्रॉन डिजीज आ जाता है, राइट? सो दिस ऑल फूड हैबिट्स आर डेफिनेटली कॉजिंग अ प्रॉब्लम। 5 steps of mental well-being. I am not a person who talk on mental well-being, but what my feeling that you need to connect to the people surrounding. See, आज आप इतने सारे इकट्ठे हुए हो, एक दूसरे से मिले, तो mental well-being हुआ. Keep learning. I am learning every day. Medical science is a learning process every day. आप सब रोज कुछ न कुछ नया सीखते हैं, तो you feel comfortable. You feel mentally feel good. Yes, आज मैंने ये सीखा. मेंटली गुड हुआ, बी एक्टिव इन लाइफ। यहां पे 80% एक्टिव है, तो एक दो दिन सो भी रहे होंगे, तो बी एक्टिव वेर एवर यू आर, यू नीड टू बी वेरी एक्टिव एट दैट मोमेंट। गिव टू अदर, दैट इज फिनोमिनल। सपोज इफ यू आर डूइंग समथिंग गुड टू अदर, यू फील एक्सट्रीमली हैप्पी। आज जिसने ये लेक्चर ऑर्गेनाइज किया है, यू फील सो एक्सट्रीमली हैप्पी कि इतने सारे लोग आ गए, तो मेंटल वेलबींग हुआ है, the mentally well-being. And last, take a notice, be more aware of the present moment, including your feelings,
and the thought. So body and mind needs to be healthy to make you healthy. So this was my last slide. It's not Rajasthan Royal, it's a Royal Rajasthan. I had been to there with Jaigarh Palace last Diwali vacation with my son. My son was fascinated by seeing all old monuments of the Rajasthan. So thank you very much for all kind listening. भाइयों बहनों, डॉक्टर साहब ने पूरा एक घंटा अपना वक्तव्य आपके सामने दिया है। बहुत जरूरी जो प्रश्न है आपके, ऐसे चार से पांच प्रश्न हम यहां पर आमंत्रित करेंगे। जब तक आप अपने प्रश्नों की तैयारी करें, डॉक्टर साहब अपने गले को आराम दें, तब तक मेरे मित्र श्रीकांत मुंद्रा कुछ आगामी कार्यक्रम की सूचना आपको देंगे। श्रीकांत, पहले प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम आमंत्रित है। जो भाई बहन कुछ भी इस विषय में पूछना चाहते हैं, वो अपने प्रश्न माइक लेकर के हमारा आदमी आपके पास पहुंचेगा, आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जी, मैं जानना चाहता हूँ कि भोजन किस समय क्या करना चाहिए। सुबह का डाइट, दोपहर का और नाइट का डाइट है, वो किस समय हमको क्या लेना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेसिकली हमारे पूर्वजों ने क्या बताया कि सबसे ज्यादा खाना सुबह खाना है। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शुड बी द मैक्सिमम, लंच इज लेस एंड डिनर इज लीस्ट। देखिए, यदि आप रात को ज्यादा खाते हैं तो मैं क्लिनिक से देर से छूटता हूँ। कई लोग टेक्सटाइल मार्केट से 11 बजे आते हैं घर पे, फिर फूल खा के सो जाते हैं। तो क्या होता है रात को कि योर एंटायर ब्लड सप्लाई इज गोइंग टू द स्टमक टू डाइजेस्ट द फूड। पूरा ब्लड सर्कुलेशन वो स्टमक पे कॉन्सेंट्रेट होता है, ब्रेन के ब्रेन में कम जाता है। तो जितना आप ज्यादा खा के सोए हो, 11 बजे खाया, सुबह 11 बजे खाके 11:30 बजे आप सोए, सुबह 8 बजे भी उठोगे तो आप फ्रेश नहीं होंगे, आपने नोटिस किया होगा। क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन स्लाइटली थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि सभी डाइवर्ट स्टमक पे हो जाता है टू डाइजेस्ट द फूड प्रोसेस। तो मैक्सिमम यू नीड टू ईट इन द मॉर्निंग आवर्स, आफ्टरनून आवर्स एंड लीस्ट इज जो चौबिया बोलते हैं, जेईयू में चौबिया आता है। तो चौबिया है, has got a lot of scientific weight. It's not a nonsense, religious तो है नहीं, it has got more to a science rather than a religion. खाने की कितनी देर के बाद पानी पीना चाहिए और कितना देर पहले पानी पीना चाहिए खाने नहीं। देखिए, ऐसा कोई ऐसा नहीं है, you can drink as long as you are, your stomach is little less full. Suppose आप 5 चपाती का खुराक है तो कई बार जो पेशेंट होते हैं, जो नॉर्मल लोग भी होते हैं, वो 3 खाते हैं, थोड़ा गैप रखते हैं। दैट सिचुएशन यू ड्रिंक वाटर इमीडिएटली, देयर इज नो प्रॉब्लम। कई बार क्या होता है कि भाई आज थाली पूरी खाई, इतनी खाई तो पानी ही मिला नहीं। समटाइम्स यू विल डोंट लाइक टू ड्रिंक वाटर, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि खाने के बाद 20 मिनट तक पानी नहीं पीना चाहिए। फिर आज हमारे भी पीपल आर एडवोकेटिंग कि भाई 20 मिनट बाद पानी पियो, ज्यादा पानी पियो, आगे पानी घंटे भर नहीं पियो, पीछे ज्यादा पियो। बट आई एम नॉट श्योर व्हाट इज इट साइंटिफिक रीजन। सर जी, ये कुंडली और आमाशय के बीच में अपने जो वाल आता है, तो ज्यादा लंबी दूर तक उसका कोई ट्रीटमेंट। देखिए सर, जो वाल का नाम सुन के हमको हार्ट के वाल याद आते हैं, सही। हमारे पेशेंट भी बोलते हैं कि किसी यदि डॉक्टर ने बताया कि आपका फूड पाइप का वाल खराब है, मतलब गए यार मेरी चाची को भी वाल खराब था, उसका बदलना पड़ा, उसका हार्ट का वाल खराब। सी द हार्ट वाल इज डिफरेंट फ्रॉम द वाल ऑफ ईसोफेगस। ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, वो इनकॉम्पेटिबल हो गया है, वो खुल रहा है। तो हमारे पास, मैंने बताया कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, वो आपको करना है, दवाई का सपोर्ट है वो लेना है। काफी सारी दवाई ऐसी होती है जो एकदम सेफ होती है, ठीक है,
यदि ऐसा नहीं होता है, सिम्टम ज्यादा आते हैं, एंडोस्कोपी में हाइटल हर्निया नाम का एक रोग होता है जिसमें ऊपर स्टमक चढ़ जाता है, तो उसमें ऑपरेशन कर सकते हैं, ये वाल्व को टाइट बना सकते हैं, स्टमक को वाल्व के ऊपर हम रैप कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से पॉसिबल है। हमारे सर्जन कभी बहुत अच्छी तरह से ये प्रोसीजर करते हैं सूरत में, तो ये एक सॉल्यूशन है। पानी क्वालिटी के बारे में, नॉर्मली अभी एक जमाना है कि सभी मिनरल वाटर ही लेते हैं, तो सॉरी सर, आई एम नॉट, आपका वॉइस नहीं आ रहा है। हाँ, मिनरल वाटर सर। ओके, तो अभी एक जमाना है कि लोग मिनरल वाटर ही लेते हैं, तो वो मिनरल्स कितने होने चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी अलग अलग लोगों की बातें होती है। देखिए, मिनरल वाटर हम पीते हैं उसका दो कारण होता है, एक तो we want to make sure that we are eating and drinking pure water, number one. कहीं पे भी आप जाओ, कोई भी आप पर्यटक स्थल में जाते हो, picnic place में जाते हो, तो you prefer the mineral water because you are more or less sure that the quality of water is good. Number one, purity है, bacteria नहीं है, infection नहीं है। कई बार क्या होता है कि mineral water fortified होता है। फोर्टिफाइड का मतलब क्या होता है कि आप पानी या फूड को थोड़े से चीजों से आप ऐड करके उसको फोर्टिफाइड बनाते हो। कई बार आता है कि हमारे जो बच्चों सुबह पीते हैं ना, बोनवीटा, हॉर्लिक्स, बूस्ट, वो फोर्टिफाइड होता है विटामिन डी से, वो फोर्टिफाइड होता है कैल्शियम से। अभी एक पैकेज ड्रिंक ऐसा है प्लेन वाटर विच इज फोर्टिफाइड बाई विटामिन B12, बिकॉज almost all vegetarians are not getting vitamin B12, so they all have deficiency of vitamin B12. तो अभी काफी सारे food ऐसे आते हैं जो fortified होते हैं, लेकिन minerals का कोई ऐसा मापदंड नहीं होता है। आप उसके पैकेज में देखो तो सभी जगह पे अलग अलग मिनरल वाटर आते हैं, लेकिन हमने नाम दिया है मिनरल वाटर, कंपनी ने नाम नहीं दिया मिनरल वाटर। पहले के जमाने में एक ही बॉटल आती थी, बहुत साल पहले से चल रही है कि वो मिनरल वाटर की बॉटल है, लेकिन मोर लेस वी आर मोर वेरी कंसर्न अबाउट द शुद्ध पानी, प्योर वाटर रादर देन मिनरल वाटर। सर, आजकल हम लोग खाना खाते समय टीवी देखते हैं, उसका डाइजेशन पर क्या फर्क पड़ता है, बैठ गया राइट गुड? तो साइंटिफिकली पता नहीं सर, लेकिन अच्छा तो नहीं पड़ रहा होगा मैं समझता हूँ, क्योंकि आप इट डिपेंड्स ऑन द व्हाट काइंड ऑफ सीरियल यू आर सीइंग, कोई 28 करता है, कोई 80 तक करता है, तो जितना लंबा ज्यादा
उपवास होता है, जितना कठिन उपवास होता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम उतनी ब्लंट हो जाती है। तो जो इंट्रोडक्शन ऑफ फूड होती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल नोज व्हाट इज टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द डाइट व्हेन द पर्सन इज फास्टिंग फॉर 8 to 9 days और 10 days। सिंपली क्या लेना है, सिंपली धीरे धीरे जूस से चालू करते हैं लोग, देन ग्रेजुअली 4, 5, 7 दिन में वो सॉलिड फूड पे आते हैं, बिकॉज योर डाइजेस्टिव सिस्टम विल नॉट एक्सेप्ट द सॉलिड फूड। जो हम पाना कराते हैं वो हमेशा पानी से ही होता है, वो हमेशा लिक्विड से ही होता है। तो बिकॉज यू नीड टू अगेन स्टिम्युलेट द डाइजेस्टिव सिस्टम टू वर्क इन द नॉर्मल वे। सर आपने कहा गोल्ड ब्लैडर निकालने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो गोल्ड ब्लैडर निकालने के बाद पित्त का संचरण कहाँ पे होता है? देखिए वो बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने नहीं बताया। देखिए पित्त की नली जो होती है वो बड़ी हो जाती है और इंटेस्टाइन में उसका संग्रह होता है। तो गोल्ड ब्लैडर यदि नहीं होता है तो आप देखो कि गोल्ड ब्लैडर के पहले आपकी पित्त की नली की साइज 4 मिलीमीटर थी, गोल्ड ब्लैडर निकालने के बाद वो 8 मिलीमीटर की हो जाती है। तो वो जो संग्रह है वो पित्त की नली में होता है और इंटेस्टाइन में हो जाता है और वो फूड डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें अपने खाने में कौन सी चीज के साथ कौन सा मेल करना चाहिए? जैसे किसी ने बताया कि चावल के साथ दाल नहीं खानी चाहिए, रोटी के साथ ही दाल खानी नहीं, ऐसा नहीं है। और रोज रोज जैसे दाल चावल रोज खाते हैं, रोज रोज एक दाल नहीं खानी है, ऐसे रोज रोज एक एक दाल नहीं खानी है, मतलब दाल चावल साथ में नहीं खाना। तो साउथ इंडिया में क्या करते होंगे लोग? नहीं, मैडम वो ऐसे कोई कंसेप्ट नहीं, मैं डाइटिशियन नहीं हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक मुझे पता है ऐसा कोई रीजन नहीं है। नहीं नहीं ऐसा कुछ रीजन नहीं है। एंड एज लॉन्ग एज आपका फूड बैलेंस्ड हो, आप एडिक्वेट पल्स ले रहे हैं, एडिक्वेट सीरियल्स ले रहे हैं, एडिक्वेट फाइबर जा रहा है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। नमस्ते। 8194 गाड़ी किसी की हो तो कृपया कहें, वो रोड जाम कर रही है, रिक्वेस्ट है 8149 का। 8194 सर। नमस्ते सर। ज्यादातर बैलेंस में अनबैलेंस आदमी की बॉडी में जो भी आगे भूख जो ज्यादा रहती है उसके कारण अनबैलेंस फूड खाता है, और क्वांटिटी ऑफ फूड जो है ज्यादा खाता है। मेडिकल साइंस में ऐसा कोई चीज है जिससे आपको भूख कम लगे? There are many medicines के कभी काफी सारी medicines आई है, वो obesity को कम करती है, भूख को कम करती है, लेकिन पर से जो आपकी जो शक्ति होती है, जो आपकी बंधारण होता है, इसके अगेंस्ट में आई थिंक वी शुड नॉट गो। कि भाई बहुत तीसरे हमारे पास कई पेशेंट आते हैं कि भाई मुझे धुंधला कर दो या मुझे मोटा कर दो, मैं 40 किलो का हूँ, 60 का कर दो, 100 का हूँ, 80 का कर दो, पर ऐसे कुछ नहीं है। देयर इज नो साइंस लाइक दिस। तो यदि साइंस ये बोलता है तो सब सिमेट्रिकल नहीं होते, ठीक है? तो ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है जिससे ये प्रॉब्लम अपनी रेक्टिफाई हो। यू नीड टू कंट्रोल ऑन योरसेल्फ। कभी कभी क्या होता है कि आप ज्यादा खाइए, मतलब ऐसा खाइए जिसकी कैलोरीज कम हो। पूरा सलाद का बाउल है, पूरा गाजर है, ककड़ी है, तो कैलोरीज नहीं देगी, पेट भर जाएगा, कैलोरीज कम होगी, ठीक है? डॉक्टर साहब आजकल डायरिया काफी हो जाता है, तो उसका कॉमन कारण डायरिया काफी हो जाता है आजकल, उसका कॉमन कारण क्या है, होमली सॉल्यूशंस क्या है? देखिए डायरिया है ना, इट इज फूड बॉर्न डिजीज मोस्ट ऑफ द टाइम। यू मस्ट हैव ईटन फूड आउटसाइड विच इज कंटामिनेटेड बाय द बैक्टीरियाज, वायरसेस और वर्म्स, जिससे डायरिया होता है। कई बार हमने फूड ऐसा खाया है वो बहुत पुराना फूड हो, ठीक है, वो अनहेल्दी हो, तो उससे डायरिया बनते हैं। तो दैट इज द मोस्ट कॉमन रीजन, इट्स अ फूड बॉर्न डिजीज। डॉक्टर साहब जैसे फॉरेन कंट्रीज में उनका स्टेप एंड ड्राइव मैक्सिकन, इटालियन, चाइनीज, तो ऐसा क्यों है कि हम इंडिया में उसको एज अ जंक फूड काम करते हैं, एंड इट इज क्रिएटिंग ओबेसिटी एंड हाई लेवल ऑफ शुगर एंड डायबिटीज? और क्या ये खाना घर पे बनाने से डज इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ ओबेसिटी एंड हाई लेवल ऑफ शुगर?
नो मैडम, देखिए स्टेपल डाइट की आप बात करते हैं तो स्टेपल डाइट इज नॉट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट जंक फूड इन द वेस्टर्न कंट्री. वेस्टर्न कंट्री में भी काफी सारे लोग हैं जो वेजिटेरियन हो रहे हैं. They're becoming more vegetarian. They're taking pulses, cereals. So, it's not their staple diet. It's a very common diet there. There's a difference between staple diet and a common diet. But depends. आप घर पे यदि junk food बनाते हैं, probably so-called junk food, तो थोड़ी बहुत चीज आपके हाथ में रहती है कि आपके हाथ में रहता है उसकी ingredients आपके हाथ में रहते हैं, आपके हाथ में उसका fat level हाथ में रहता है. शुगर लेवल शायद आपके हाथ में रहता है. आप घर पे मिठाई बनाते हैं तो मिठाई में घी लेवल है. इट इज इन योर कंट्रोल, नॉट अ कंट्रोल. सपोज इफ यू आर टेकिंग स्वीट्स फ्रॉम आउटसाइड, सो इट्स यूनिफॉर्मली प्रिपेयर्ड स्वीट. बट ऑफ कोर्स होममेड फूड इज ऑलवेज बेटर एंड हैज एन एज ओवर द आउटसाइड. डॉक्टर साहब, जो एसिडिटी गर्दन होती है ऊपर पोर्शन में इफेक्ट करती है कि मल द्वार तक इसका इफेक्ट रहता है? किसके, सॉरी किसकी मतलब? मल द्वार अपना जो मोशन होता है वहाँ भी कई बार जैसे जलन होती है तो वो एसिडिटी की वजह से इफेक्टेड है या और कोई रीजन? नहीं, देखिए एसिडिटी का भी कारण एक थोड़ा होता है क्योंकि देखिए हम काफी तीखा खाते हैं. सपोज देखिए जो विज्ञान क्या बता रहा है कि जैसे हम तीखा खाते हैं ब्लड सर्कुलेशन जो स्क्वामस एपिथीलियम है इसमें बढ़ जाता है. बोथ द एंड ऑफ द जीआई सिस्टम, मुंह से लेके नीचे के द्वार के जो बीच का पोर्शन है वो कॉलमनर एपिथीलियम है, लेकिन माउथ और एनस होता है वो स्क्वामस एपिथीलियम होता है. तो क्या होता है, यदि आप तीखा खाते हैं तो सडनली ब्लड सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो यू फील इरिटेशन देयर, यू फील बर्निंग देयर. सपोज इफ आपका स्टूल फ्रीक्वेंसी की ज्यादा होती है तो भी आपको इरिटेशन होती है. कभी कभी आपने देखा होगा कुछ तीखा खाने से आपका होंठ लाल हो जाता है, यू डू लाइक दिस, इट्स वेरी तीखा, बराबर. तो उसका मतलब क्या होता है कि आपकी जो टंग है, आपकी जो लिप्स है, वहां की ब्लड सर्कुलेशन सडनली बढ़ जाती है. तो यू फील योर टंग बिकम मोर रेड, योर लिप्स आर बिकमिंग मोर रेड. तो सेम थिंग इज हैपनिंग इन द लोअर डाउन. सी कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन मैंने इसलिए कवर नहीं किया क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक था, लेकिन कॉन्स्टिपेशन शुड बी इंक्लूडेड व्हेन इतने सारे पर्सन लोग होते हैं तो जरूरी है. कॉन्स्टिपेशन है ना दो प्रकार से होते हैं. ट्रांजिट जो होती है इंटेस्टाइन की वो शायद कम हो, कि जो स्टूल है वो एक जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम लगता है तो उसको कॉन्स्टिपेशन होता है. और दूसरा स्टूल नीचे अटक जाता है, इट डजंट कम आउट प्रॉपरली, इसको भी हम कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं. तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे टू इंक्रीज इज द मूवमेंट ऑफ अ इंटेस्टाइन इज वॉकिंग एंड हाई फाइबर डाइट. जिस डाइट में फाइबर ज्यादा होते हैं जैसे स्टार्च होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, कॉर्नफ्लेक्स होता है जिसमें स्टार्च ज्यादा होता है, फाइबर ज्यादा होता है. इसलिए हम डॉक्टर अक्सर इसबगुल का बोलते हैं कि भाई आप इसबगुल लो, इट इज अ फाइबर, इट इज अ बल्क लैक्सेटिव, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है. इफ आप अच्छी तरह से लोगे तो इसबगुल वर्क्स वंडरफुली वेल. दूसरी चीज, हमें एक हमारे कभी पेशेंट लोग हम पूछते हैं कि आपको ट्रांजिट का प्रॉब्लम है या स्टूल निकलने का प्रॉब्लम है. कई लोगों को ऐसा होता है कि स्टूल नीचे अटक जाता है, फंस जाता है कई लोगों को, फिर एक बार निकलता है तो फिर नॉर्मल. तो तभी हम एडवाइस करते हैं कि यू चेंज योर टॉयलेट पोजिशन फ्रॉम वेस्टर्न टू इंडियन. देखिए इंडियन पोजिशन जो टॉयलेट की है वो बहुत क्लास है, लेकिन अभी तो नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट के लिए वी ऑल आर डूइंग वेस्टर्न टॉयलेट, ठीक है. बट जो इंडियन स्क्वेटिंग पोजिशन है टॉयलेट की वो ऐसी होती है कि जैसे ये पोजिशन में आप बैठते हो टॉयलेट के लिए तो जो अंदर का जो रेक्टम और कोलोन का एंगल होता है वो बिकम सीधा हो जाता है.
तो कई पेशेंट ऐसा होता है कि उनको स्टूल नीचे अटक गया होता है, तो वी जस्ट टेल देम कि आप अपना टॉयलेट हैबिट चेंज करके ट्राई विद द इंग्लिश इंडियन टॉयलेट फ्रॉम द वेस्टर्न टॉयलेट एंड दे गेट ट्रेमेंडस रिलीफ राइट. सो हाई फाइबर डाइट, वॉकिंग, एडिक्वेट इनटेक ऑफ अ वाटर इज इंपॉर्टेंट टू इंप्रूव द कॉन्स्टिपेशन. नमस्कार सर, भारतवर्ष का अगर हम इतिहास चेक करते हैं और 5000 साल की हमारी संस्कृति देखते हैं तो एक फूड हैबिट की अगर हम बात करें तो पंजाब देख लीजिए, कन्याकुमारी ये वाली कश्मीर, हमारा यूपी, गुजरात, सब जगह के ऊपर बरसों से घी की मात्रा हर एक खाने में सबसे ज़्यादा रही है. आप पंजाब का कोई भी फूड देखिए मैक्सिमम फैट, कश्मीरी पुलाव देखिए मैक्सिमम फैट, कन्याकुमारी साउथ वगैरह देखिए मैक्सिमम फैट, राजस्थान गुजरात में तो है ही है. तो ये फूड हैबिट्स जो थी इसके कारण अगर आप 1980 तक का एक आप जो बोल रहे थे कि इतिहास में कि यहाँ पे कम से कम कैंसर था, कम से कम आपको इंटेस्टाइन वगैरह के प्रॉब्लम था, और जो कुछ आज की तारीख में दिख रहे हैं कि आज डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई आप घी कम करिए, गौ माता का घी कम करिए, तो ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास नहीं है? और साइंस को किस तरह से देखते हैं? नहीं सर, सी अलोन घी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. It is a multifactorial. Sir, काफी सारे फैक्टर है इसमें. Environment अपना बदल गया है, जीवन शैली बदल गई है. पहले हम हमारे पिताजी दादा परदादा फिजिकल एक्टिविटी में मानते थे, साइकिल पे चल रहे थे, साइकिल घुमा रहे थे. आजकल कौन साइकिल चला रहा है? कोई साइकिल नहीं चला रहा है. जो फिजिकल एक्टिविटी था वो उन लोगों में ज्यादा था, तो अभी फिजिकल एक्टिविटी का जो थिंग्स है वो फिजिकल स्ट्रेस अभी मेंटल स्ट्रेस में कन्वर्ट हो गया है. वो लोग 3000 में भी खुश है, अभी हम 3 लाख में भी खुश नहीं है. सो जो स्ट्रेस लेवल है वो दो देयर स्ट्रेस लेवल आर आवर स्ट्रेस लेवल्स आर अनबिलीवेबल. और अपनी पीछे की अपनी आगे की जनरेशन जो भी स्कूल में है उन लोगों का तो और स्ट्रेस लेवल होगा, बिकॉज इट्स बिकम सो कॉम्पिटिटिव. एक एक मार्क के लिए हजार हजार स्टूडेंट होते हैं. How much stress the parents are having, how much stress the child is having. So that all are contributing. Not alone the ghee. आज मैं मेरी घर मैं घर पे जाता हूँ गांव में तो मेरी मम्मी बहुत घी खिलाती है मुझे, और सभी माँ अपने बेटे को ऐसा कि तू घी खाया कुछ नहीं होगा. ये सही है कि गलत है? ट्रू है. सभी माँ का जो रोटी पकाती है माँ वो पूरन पोली पकाती है तो ऐसे ही घी में डाल के देती है. अरे मोटे यार चर्बी बढ़ जा रहे, कुछ नहीं होगा, तू बढ़ाया पड़ते वाला ठीक है. तो ये है, तो नॉट ओनली एनर्जी बट घी इज डेफिनेटली अ हाई कैलोरी डाइट. ओबेसिटी बढ़ती है, जो ओबेज ऑलरेडी है उसको तो डेफिनेटली नुकसान करती है. पहले के जमाने में इतनी ओबेसिटी नहीं थी, अभी ओबेसिटी बढ़ रही है. सो नॉट ओनली अ वन फैक्टर, काफी सारे फैक्टर है जो काम कर रहे हैं. दो प्रकार की वैक्सीन अवेलेबल है, ए बी सी डी ई, चार प्रकार के जॉन्डिस. इसमें ए और बी की वैक्सीन अवेलेबल है, सी और ई की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है. ए की वैक्सीन पहले के इंडियन पीडियाट्रिक एसोसिएशन ऐसा बता रहे थे कि ए की वैक्सीन की इंडिया में जरूरत नहीं है, बिकॉज एवरीबडी इज गेटिंग अ हर्ड इम्यूनिटी, कम्युनिटी से इम्यूनिटी आ जाती है हिपेटाइटिस ए के लिए. लेकिन अभी हमने देखा है कि ए की जो मात्रा है वो यंग पीपल में ज्यादा है, तो अभी पीडियाट्रिशियन भी ए की वैक्सीन को रिकमेंडेड कर रहे हैं. पी यस, इंडिया जो है वो इंटरमीडिएट जोन में आता है, जहां पे हर 100 व्यक्ति में से 4 को हिपेटाइटिस बी है. 90% ऑफ हिपेटाइटिस बी इनएक्टिव होता है, कैरियर होता है, प्रॉब्लम नहीं कर सकता है, लेकिन टेस्ट के माध्यम से ही पता चलता है कि आपका वायरस सक्रिय है कि निष्क्रिय है. आप सक्रिय हो कि निष्क्रिय हो आप अपना वायरस दूसरों को दे सकते हैं.
क्योंकि यदि आपका लेजर आपका टंग क्लीन है आपका ब्लड किसी दूसरे को टच हुआ बस ब्लड को तो उसको अक्सर हेपेटाइटिस हो सकता है. एक्यूपंचर वेरी कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस सी. डिस्पोजेबल सीरिंज नीडल से पहले पहले के जमाने में जब मैं भी छोटा था तो मैंने भी ऐसे इंजेक्शन लिए है जैसे वो बड़ी सुई है वो गर्म पानी में उबलते हैं फिर वही सुई दूसरे को डालते हैं. मुझे आज वो भी सीन याद है जब मैं छोटा था तब मैं अपने डॉक्टर के पास जाता था. ठीक है तो ये सब चीज से हेपेटाइटिस बी होता है. बट आइडियली यस इंडिया एवरीवन शुड गेट द हेपेटाइटिस बी वैक्सीन. बट गवर्नमेंट की प्रायोरिटी काफी सारे डिजीज में काफी सारी ज्यादा है क्योंकि टीबी का वर्णन बहुत ज्यादा है एचआईवी का वर्णन बहुत ज्यादा है. इसलिए जो फंडिंग एजेंसी है गवर्नमेंट की वो थोड़ी कॉन्सेंट्रेट बाकी जगह है हेपेटाइटिस बी में नहीं है. इसलिए हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन जो है अभी भी नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से थोड़ा सा दूर है लेकिन अभी सभी पीडियाट्रिशियन हेपेटाइटिस बी को रिकमेंडेड करते हैं और एवरीवन शुड गेट हेपेटाइटिस बी वैक्सीन. सर जैसे आपने बताया वेजिटेरियंस में विटामिन बी12 और विटामिन डी की कमी जनरली काफी पाई जाती है तो उसके लिए आपका क्या सुझाव है हमें रूटीन फूड में क्या शामिल करना चाहिए. देखिए विटामिन बी12 और डी दोनों अलग है. डी में कैल्शियम इज मोस्ट इंपोर्टेंट एंड डी वी टेक अ सेपरेट डिस्कशन. बी12 के बारे में बताऊं तो बी12 आइडियली नॉन वेजिटेरियन फूड में मिलता है. देयर आर सर्टेन नट्स आर रिच इन विटामिन बी12. देयर आर सर्टेन ऑयल्स नाउ दे आर फोर्टिफाइड विद विटामिन बी12. कई ऑयल्स आते हैं अभी आप देखो टीवी में भी एडवर्टाइज आती है कि विटामिन बी12 अंदर डाला हुआ है ऑयल में ये फूड में विटामिन बी12 मिक्स किया हुआ है. तो आइडियल सोर्स इज फोर्टिफाइड फूड एंड ड्राई फ्रूट्स फॉर बी12. विटामिन डी में क्या होता है कैल्शियम मोस्ट इंपॉर्टेंट. वी आर गेटिंग कैल्शियम फ्रॉम मिल्क चीज पनीर योगर्ट्स. इट्स अ सोर्स ऑफ कैल्शियम. हम कैल्शियम खाते हैं और विटामिन डी जो होता है वो सनलाइट एक्सपोज से बनता है सूर्य प्रकाश से जो वेस्टर्न कंट्री में लोग सनबाथ लेने जाते हैं. ठीक है तो हम क्या है अभी पूरे सब लोग बाहर घूमना कम होता है फुल स्लीव शर्ट होती है बॉडी का पार्ट एक्सपोज इतना नहीं होता है तो वी आर डेफिशिएंट विद विटामिन डी और वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है बिकॉज विटामिन डी से ही कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है. एक एडवर्टाइज में भी आता है विटामिन डी के बिना कैल्शियम वेस्ट होता है. यू मस्ट हैव सीन द एडवर्टाइज इन द टेलीविजन. सो नाउ मेनी चिल्ड्रन पीपल मेन जो लोग है उसका जो मॉर्निंग फूड होता है इसमें विटामिन डी सप्लीमेंट मिलता है विटामिन बी12 सप्लीमेंट मिलता है. नमस्कार सर क्या इस सब को डेली ले सकते हैं. बिल्कुल सर. और इसको ओनली रात को ही लेना चाहिए या किसी भी टाइम ले सकते हैं. देखिए सर आईडियल रात को होता है जिसमें इंटेस्टाइन का बल्क बनता है बट सम पीपल आर टेकिंग ट्वाइस अ डे आल्सो देयर इज नो प्रॉब्लम. इट हैज नो हार्म. यू कैन कंटिन्यू फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. इसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है. अभी ऐसा है कि इसबगोल थोड़ा सा शुगर को मेंटेन में मदद करता है कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन में मदद करता है. वेस्टर्न कंट्री में इसबगोल का यूज कोलोन का कैंसर प्रिवेंट करने में होता है. डॉक्टर साहब जनरली बोला जाता है कि गैस हो गई तो नींबू पानी ले लो एंड सॉफ्ट ड्रिंक कोई ले लो तो इट इज गुड फॉर. देखिए व्हाट हैपेंस सी आप देखो कि हमारे मन में पेट के प्रति इतने मिसकंसेप्ट है. आप टेलीविजन की एडवर्टाइज देखो तो हेल्थ रिलेटेड एडवर्टाइज में पेट के अलावा किसी की एडवर्टाइज नहीं आती. कोई इनो की देता है कोई स्वाद की देता है हाजमा हाजम की देता है सभी जेन्यूसी एमपीएस डाइजीन. ठीक है तो बिकॉज वो क्या समझते हैं कि वी और बेसिकली जो आपका प्रश्न है उसमें ऐसा है कि यदि आपको गैस होता है एसिडिटी होता है जो आप एंटासिड लेते हैं नींबू लेते हैं कई बार सोडा लेते हैं तो वो क्या होता है वो टेम्पररी एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है. तो उसमें जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है
तो उसमें CO2 बनती है, तो क्या है थोड़ा गैस बनता है तो आपका स्विंटर खुलता है, आपको डकार आती है, यू फील कंफर्टेबल. सो दैट्स मे बी द वन ऑफ द रीजन, बट आई एम नॉट श्योर हाउ द सॉफ्ट ड्रिंक्स विल है. सॉफ्ट ड्रिंक्स इज एनीथिंग ओनली बिकॉज ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स. विरुद्ध आहार के बारे में कुछ बताइएगा. देखिए विरुद्ध आहार वो है ना पुरानी तत्व है, कोई बोलता है कि भाई आप प्याज के साथ दूध को नहीं पी सकते हैं, आप नींबू के साथ दूध को मिला नहीं सकते, अंदर फट जाएगा, सफेद चमड़ी हो जाएगी, छाले पड़ते हैं. तो वो विरुद्ध आहार इतना मुझे पता नहीं है, वो आयुर्वेदिक जो डॉक्टर्स होते हैं, जो उसके डाइटिशियंस होते हैं, वो आपको अच्छी तरह से समझा पाएंगे. लेकिन साइंस में आई हैव नो आइडिया व्हाट इज अ विरुद्ध आहार. बट मैं जब छोटा था तब मुझे भी बताया गया था कि आपको इसके साथ ये नहीं खाना है, इसके साथ ये नहीं खाना है. आई हैव नो आइडिया अबाउट द साइंटिफिक रीजन. नहीं नहीं मैं नहीं खाता हूँ सर, यू आर राइट, मैं नहीं खाता हूँ. आई एम जी सर. देखिए सर वो क्वेश्चन काफी सारे डिपेंड्स करते हैं आपके पास कितना टाइम है और कितने टॉयलेट है. हेलो, तो लाइफ में आम जो पुराना आम होता है वो क्या चीज और किस तरह का? सर वो म्यूकस होता है, बॉडी पूरे आंतों में म्यूकस रहता है, वो म्यूकस सिक्रीट होता है. कई लोगों में म्यूकस ज्यादा सिक्रीट होते हैं तो वाइट डिस्चार्ज होता है स्टूल में, जिसको आम बोलते हैं. ये नॉर्मल फिनोमिना है, उसे कोई दिक्कत नहीं आती है, इसे कोई तकलीफ नहीं होती. कृपया सबसे निवेदन है खाली 5 मिनट पर बैठे, ये बहुत कृपया सबसे निवेदन है खाली 5 मिनट की एक समापन निधि. जितना डॉक्टर साहब ने अपने को समय दिया है इतना अति रिक्वेस्ट है कि 5 मिनट उनके लिए कृपया सब बैठे. ये 3 से 4 मिनट की विधि इससे ऊपर नहीं होगी. 5 मिनट के लिए आप सभी लोग रुके. भाई और बहनों जैसा कि ये कार्यक्रम हम जो करते हैं इसमें एक तो हमारी विशेषता ये है कि स्टेज नहीं बनाते, किसी तरह की स्टेज फॉर्मेलिटी नहीं होती, केवल 2 से 3 मिनट के परिचय के कार्यक्रम के पश्चात ही कार्यक्रम शुरू कर देते हैं. कोशिश हमारी ये रहती है कि आए हुए अतिथि वक्ता या अतिथि को हम फ्लावर बुके भी न दें, इस चीज की भी कोशिश की जाती है. लेकिन क्योंकि वो हमारे माननीय अतिथि हैं, हमको कुछ देने के लिए आए हैं, तो केवल एक मोमेंटो और बुके की जगह बुक्स देने की हम कोशिश करते हैं. तो मैं अग्रवाल विकास ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री नारायण जी अग्रवाल से निवेदन करूंगा कि वो माननीय डॉक्टर साहब को मोमेंटो देकर के और श्री कृष्ण गोपाल जी मुंद्रा उनको बुक्स देकर के उनका सम्मान करें. आप सभी से निवेदन कि हमारे 2-2.5 महीने के अंतराल के बीच में जब इस तरह के कार्यक्रम हो आपको सही समय पर सूचना दी जाएगी. जो भाई बहन इस कार्यक्रम में पहली बार आए हैं वो अपना विजिटिंग कार्ड या छोड़ के जाए, अपनी ईमेल आईडी छोड़ के जाए, ताकि सभी आगामी कार्यक्रमों की सूचना आपको दी जा सके. एक बार डॉक्टर साहब के सम्मान में जोरदार ताली. आगामी 11 अगस्त को डॉक्टर बीएम भारद्वाज इनकी धर्मपत्नी भरतपुर राजस्थान के पास में एक बहुत बड़ा सेवा का आश्रम चलाती है. ऐसे कुछ रोगी जो सड़क के ऊपर है, ऐसे मनोरोगी, ऐसे अर्धपागल लोग, जिनका कि हम अपने घर में इलाज नहीं कर सकते, उनका इलाज वहां पर आश्रम में किया जा सकता है. दोनों दंपत्ति यहां पर 11 अगस्त को आ रहे हैं. यही अगर सिंह भवन में उनका एक बहुत शानदार कार्यक्रम कि किस तरह की मानवीय सेवा को वो अंजाम देते हैं, किस तरह से परोपकार का कार्य करते हैं, उसका एक पंपलेट आप जाएंगे तो आपको मिलेगा. उस कार्यक्रम में आप सभी भाई बहन आकर के देखें, ऐसा मेरा निवेदन है. डॉक्टर तरेश पटेल अगले 14 सितंबर को जो कि चेस्ट और स्लिप एपिनिया के स्पेशलिस्ट हैं, वो यहाँ पर इसी तरह से प्रोग्राम लेंगे, उसमें आप आएं. एक हमने कोशिश की थी कि जितनी भी मेडिकल साइंस के अंदर नई कोई खोज होती है, नई इन्वेंशन होती है, उसको स्कैन करके आपकी ईमेल आईडी पर डाला जाए ताकि आपको नवीनतम जानकारी उपलब्ध हो सके. इस कार्यक्रम को हम जल्द से जल्द आगे आरम्भ करना चाहेंगे. मैं मेरे डॉक्टर भिखम चंद जी प्रजापति के प्रोग्राम के बारे में जैसे मैंने निवेदन किया कि 25 अगस्त से उनका यहाँ पर परिवार में प्रसन्नतापूर्वक कैसे रहे उनका कार्यक्रम आयोजित है. आप सभी भाई बहन उसके अंदर सह परिवार आए, अपने इष्ट मित्रों को लेकर के आए, ऐसा मेरा निवेदन है. हम एक बुक लवर्स क्लब चलाते हैं.
रहे हैं जिसके अंदर इंटरनेशनल जो बुक्स होती हैं उनके कुछ अध्यक्ष हमारे बीच में होते हैं, ऐसे मेरे मित्र विनय अग्रवाल जो इस तरह की अंतरराष्ट्रीय बुक्स को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ते हैं, नवीनतम जानकारी आपको उपलब्ध कराते हैं, उनसे निवेदन है कि धन्यवाद और कंक्लूडिंग करने के लिए वो यहाँ पर आए और आपके सामने दो शब्द हैं भाई विनय अग्रवाल। भाई और बहनों सबको मेरा नमस्कार। मैं सबसे पहले डॉक्टर राजीव को धन्यवाद देना चाहूंगा जो अपने व्यस्त रूटीन से इतना समय निकाला और एक इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया। और एक जो बात उन्होंने कही वो जबरदस्त थी कि मेडिकल साइंस जिस रेट में प्रोग्रेस कर रही है और लेटेस्ट गैस्ट्रेंटोलॉजी में जो भी डेवलपमेंट्स है वो अपने साथ शेयर की। उसके बाद मैं अग्रसेन भवन का धन्यवाद करना चाहूंगा जो इस प्रोग्राम के लिए हर बार हमें उनका सहयोग मिलता है। और मैं अपने कलीग श्रीकांत जी, अतुल मुंद्रा और निमलेश जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा जो इस प्रोग्राम को इतना सक्सेसफुल बनाया। आगे मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा आपसे। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि हम इस प्रोग्राम में क्यों आए, आखिर में फायदा क्या है। मैं उस चीज के लिए एक प्रोवर्ब से चालू करूंगा, प्रोग्रेस स्टॉप्स द डे अ मैन्स हंगर फॉर नॉलेज स्टॉप्स। जिस दिन अपने नॉलेज अक्वायर करना बंद कर देंगे अपनी प्रोग्रेस रुक जाएगी। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू अक्वायर नॉलेज, वो नॉलेज जो अपने को साधारण न्यूज़पेपर में या और कहीं नहीं मिलेगी। नॉर्मली जब आप अपने कंसल्टेंट को मिलने जाते हैं तब इतने थॉरो डिस्कशन से इतने पॉइंट पे अपने को खुलासा नहीं मिलेगी। अपने एक या दो क्वेश्चन उनको करते हैं वही क्लैरिटी होती है, लेकिन यहां एक कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल अपने को दी गई है, हर पॉइंट को टच किया गया है और बहुत सी बातें अपनी अपने आप क्लियर हो जाती है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जो डॉक्टर साहब ने बताया शुरू में कि मेडिकल साइंस जिस रेट से प्रोग्रेस कर रही है वो चीजें शेयर हो जाती है। मतलब डॉक्टर साहब ने खुद मेडिसिन जब की होगी और आज उसमें कितना डिफरेंस आ गया, कितनी चीजें उसके बाद आई है। जो आज वो प्रेजेंटेशन कर रहे हैं वो लेटेस्ट प्रेजेंटेशन है, जो मेडिकल साइंस डे टू डे में जो हो रही है प्रोग्रेस वो अपने साथ शेयर कर रहे हैं। तीसरा ये भी आइडिया आती है अपने को कि जैसे जैसे अपने प्रोग्राम कर रहे हैं एक स्पेशलिस्ट को के, तो अपने को ये आइडिया आती है कि कौन सी प्रॉब्लम में कौन से स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, इसकी क्लैरिटी आ जाती है। तो अगर आपने सभी प्रोग्राम अटेंड करे तो अपने को ये बहुत क्लैरिटी आ जाती है कि कौन सी प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम टू स्पेशलिस्ट तक पहुंचने की जो टाइम है वो टाइम कम हो जाती है। समटाइम्स दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक हमने टोटली चार किए हैं, ये चौथा है। पहला किया था हमने डॉक्टर आप्टे का जो पैरालिसिस पे था, दूसरा किया था अपूर्व बसावड़ा का कार्डियोलॉजी का, फिर किया नी रिप्लेसमेंट पे, अभी हमने इस बार गैस्ट्रेंटोलॉजी पे किया, अभी अगला हम प्लान कर रहे हैं यूरोलॉजी पे, किडनी स्टोन और प्रोस्टेट के ऊपर, और आने वाले टाइम में हम ये कंटिन्यू करते रहेंगे। अगले साल हम सोच रहे हैं कुछ बाहर से भी ऑर्गन रिप्लेसमेंट सर्जन और वो सबका भी प्रोग्राम करें। तो उसमें मैं चाहूंगा कि ऑडियंस में बैठा कोई भी अगर कोई एडवाइस देता है, कोई गाइडेंस देता है कि पर्टिकुलर किसी डॉक्टर की करनी है उसकी, तो वो अतुल जी से मिलकर उसका नाम दे सकते हैं, तो उसको भी हम फ्यूचर में कंसिडर कर सकते हैं। और लास्ट में मैं एक आयरिश प्रोवर्ब के साथ इसको कंक्लूड करना चाहूंगा, अ गुड लाफ एंड अ लॉन्ग स्लीव आर द बेस्ट क्योर इन द डॉक्टर्स बुक। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, आप संडे को इतना टाइम निकाल के आए, आई होप थोड़ा कुछ सीखने को मिला होगा और मुझे भी आपसे काफी सीखने को मिला है। थैंक यू सो मच।